दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान की हार पर खुश हुआ पूरा भारत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ाया है। पाकिस्तान की टीम को लेकर भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ ऐसे बयान दे डाले जिनको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के लिए क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इंग्लैंड ने पाकिस्तान से 1992 वर्ल्ड कप का बदला ले लिया है। 1992 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान ने इसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। अब 30 साल बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मेलबर्न में ही हराकर बदला ले लिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 337 रन बनाए। पाकिस्तान की बल्लेबाजी फ्लॉप रही, 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। शान मसूद ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए, वहीं कप्तान बाबर ने 32 रन की पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से सैम करन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य 3 विकेट लिए। हासिल कर लिया। बेन स्टॉक्स ने 49 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहे। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में उनका पहला अर्धशतक रहा। तो वहीं 5 विकेट से जीत के साथ इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन बना, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की हार पर बयान जारी किया है, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की टीम वास्तव में काफी ज्यादा घटिया टीम है। अगर पाकिस्तान की टीम को किसी भी तरीके से जीत चाहिए तो पाकिस्तान की टीम को बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा है कि पाकिस्तान की टीम किसी भी तरीके से वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से इस मुकाबले में नहीं उतरी थी, क्योंकि उनका खेल इस बात की गवाही दे रहा था कि वो सिर्फ एक अभ्यास मुकाबला खेल रही है। हम काफी ज्यादा खुश हैं कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम विजेता बनी है। इसके अलावा रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम वास्तव में इंग्लैंड के सामने सही तरीके से हारी है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम वास्तव में मजबूत है। अगर इंग्लैंड की टीम मजबूत नहीं होती तो भारत नहीं हारता, लेकिन पाकिस्तान की हार से पता लग गया है इंग्लैंड वास्तविकता में मजबूत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा है कि पाकिस्तान की टीम दुनिया की सबसे कमजोर टीमों में से एक है, जिनकी बल्लेबाजी वास्तव में काफी ज्यादा लाचार है। अगर सलामी बल्लेबाजी टिकी रहेंगे तो उसकी टीम टिकी रहेगी, अन्यथा एक एक करके ताश के पत्तों की तरह विकेट गिरते जाते हैं। तो वहीं विराट कोहली ने बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम वास्तव में जीतने के लिए नहीं खेल रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के पास बिल्कुल भी बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी का संतुलन नहीं है। अगर बल्लेबाजी बेहतरीन प्रदर्शन करते तो गेंदबाज अपनी लय छोड़ देते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी वास्तविकता में बड़े मुकाबले में फेल हो जाते हैं। अगर बड़े मुकाबले में खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी टीम बिखर जाएगी और आप इस मुकाबले की हार कर वर्ल्ड कप जरूर हारेंगे। दोस्तों पाकिस्तान के साथ सही हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की टीम की हार की सबसे बड़ी गलती क्या रही है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।